गलती से भी ये वाला कीपैड फोन परचेज नहीं कर लेना। आज के जमाने में मोबाइल फोन के साथ कीपैड फोन का काफी ज्यादा डिमांड हो गया। काफी लोग मेरे से कहते हैं, सोल भाई हमको एकदम बजट रेंज में सबसे अच्छी कंपनी के कीपैड फोन हमको सजेस्ट करो। आपने कहा, हमने तुरंत रिसर्च करके तुरंत ही वीडियो बना डाली। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1500 की प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट इन क्लास कीपैड फोन्स के बारे में। अगर आपको 1500 की प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया कीपैड फोन चाहिए, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम बात करते हैं 1500 की प्राइस रेंज में कीपैड फोन में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको काफी अच्छी कंपनी का कीपैड फोन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग, नोकिया। काफी बड़ी बैटरी मिलेगी जिससे आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलेगा। काफी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, कैमरा मिलेगा, FM रेडियो का सपोर्ट मिलेगा, म्यूजिक प्लेयर मिलेगा, टॉर्च मिलेगा, मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज का सपोर्ट मिलेगा। साथ में आपको ऑटो कॉल का फीचर भी मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे कीपैड फोन में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलेगा 2G कनेक्टिविटी के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाला 5th नंबर पे कीपैड फोन के बारे में, जो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग 2G सिंगल सिम कीपैड फोन। अगर आपको सैमसंग का कीपैड फोन परचेस करना है, किसी और कंपनी का कीपैड फोन परचेस नहीं करना, आप इस कीपैड फोन को जरूर से परचेस कर सकते हो इस फोन में। मेरे को सैमसंग के ब्रांड के अलावा सब कुछ एकदम बकवास लगा, क्योंकि सबसे पहले आपको काफी छोटी डिस्प्ले मिलती है 1.5 इंच की, साथ में आपको काफी छोटी बैटरी मिलती है 800 mAh की, कैमरा का सपोर्ट है नहीं है, सिंगल सिम का सपोर्ट है, 2G कनेक्टिविटी के साथ आता है, साथ में आपको टॉर्च का भी सपोर्ट है। फीचर्स आपको एकदम लिमिटेड मिलेंगे, बट आपको सैमसंग का ब्रांड मिलता है। अगर आपको सैमसंग का कीपैड फोन चाहिए, क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए, आप इस कीपैड फोन की तरफ जा सकते हो, वरना आपके पास और भी काफी सारे ऑप्शन हैं। बढ़ते हैं 4th नंबर पे आने वाला कीपैड फोन के बारे में, जो आता है नोकिया की तरफ से, नोकिया 110 डुअल सिम 2G कीपैड फोन। इस फोन में मेरे को सब कुछ बढ़िया लगा, सिर्फ आपको बैटरी काफी छोटी मिलती है अगर आप 3rd नंबर वाले, 2nd नंबर वाले और 1st नंबर वाले आने वाले कीपैड फोन से कंपेयर करते हो। इस कीपैड फोन में आपको 1000 mAh की बैटरी मिलती है, अगर थोड़ी ज्यादा होती बैटरी काफी अच्छा होता है। साथ में आपको काफी सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जो किसी भी कीपैड फोन में है नहीं है। सबसे पहले इस कीपैड फोन में आपको इनबिल्ड गेम्स का सपोर्ट है। अगर आपको एक ऐसा कीपैड फोन चाहिए जिसमें गेम हो, आप इस कीपैड फोन की तरफ जरूर से देख सकते हो। इस कीपैड फोन में आपको 1.77 इंच की काफी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, साथ में आपको ये फोन 3 कलर में अवेलेबल है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। कैमरा का सपोर्ट मिलेगा, FM रेडियो का सपोर्ट मिलेगा, MP3 प्लेयर का सपोर्ट मिलेगा, ऑटो कॉल रिकॉर्ड का फीचर मिलेगा। बढ़ते हैं 3rd नंबर पे आने वाला कीपैड फोन के बारे में, जो आता है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला A50 डुअल सिम 2G कीपैड फोन। इस फोन में मेरे को सब कुछ बढ़िया लगा। सबसे पहले आपको 1.8 इंच की काफी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी, साथ में ये फोन डुअल 2G सिम का सपोर्ट है, साथ में आपको 2 कलर में अवेलेबल है, साथ में आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट है, FM रेडियो का सपोर्ट है, काफी बड़ी बैटरी मिलती है जिससे आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलेगा 1750 mAh की। 6 इंडिया के अलग अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये चीज मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। बढ़ते हैं 2nd नंबर पे आने वाला कीपैड फोन के बारे में, जो आता है लावा की तरफ से, लावा A3 डुअल 2G कीपैड फोन। इस फोन में मेरे को सब कुछ बढ़िया लगा, काफी बड़ी आपको बैटरी मिलती है 1750 mAh की, डुअल 2G सिम का सपोर्ट है, साथ में आपको कैमरा का सपोर्ट है, FM रेडियो का सपोर्ट है, साथ में आपको म्यूजिक प्लेयर का सपोर्ट है। इस कीपैड फोन में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है वीडियो प्लेयर का। फाइनली बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाला 1st नंबर पे कीपैड फोन के बारे में, जो आता है डीजो की तरफ से, डीजो स्टार 300। सबसे पहले ये फोन 1500 की प्राइस रेंज में अवेलेबल है, बट इसमें फीचर आपको एकदम 2000 वाले
कीपैड फोन जैसे मिलते हैं इस फोन में। आपको काफी जबरदस्त फीचर्स के साथ आता है, काफी पावरफुल बैटरी के साथ आता है इस कीपैड फोन में। आपको 2550 mAh की बैटरी के साथ आता है, जिससे आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलेगा 1.77 इंच की। काफी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी इस फोन का। मेरे को डिजाइन काफी ज्यादा पसंद है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। हमारी तरफ से ये फोन एक वैल्यू फॉर मनी और ऑलराउंडर कीपैड फोन है अगर आपका बजट 1500 के अराउंड है।